उनकी ये सोच हो सकती है, लेकिन हम लोग अपने कदमों को नहीं रोकते हैं। हम लोग के कदम निरंतर चलते हैं, चलते रहेंगे, बिना रुके बिना थके। सर, प्रवासी जो मजदूर जो आए हैं उनको ट्रैप करने के लिए नक्सली भी लगे हुए हैं, हालांकि आपकी पुलिस कई जगह काम कर रही है, तो अपने संगठन में शामिल कराना चाहते हैं नक्सली, तो क्या सर आपकी तरफ से? अभी तक ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई है, सरकार पूरी तरीके से सजग है और पूरा सिस्टम इस पर कड़ी नजर रखे हुए है। और अभी एक निर्णय हम लोगों ने यह भी लिया है कि कोरोना कोविड को लेकर कि अब इस राज्य में जिस तरीके से पहले कुछ रिलैक्सेशन थे, जो बाहर से लोग आ रहे हैं 70-71-72 घंटे के बाद वापस चले जाएंगे, अब यहाँ नहीं होगा। अब यहाँ पर जो भी लोग बाहर से आएगा, किसी भी रास्ते से आएंगे, तो उनको क्वारंटाइन में रहना होगा, उसके बाद ही आगे की गतिविधियां होंगी, चाहे हवाई जहाज से आए, सड़क से आए या किसी और भी माध्यम से आए। हालांकि अभी इससे यह धीरे धीरे बंद हो रही है और अब इस विषय पर हम लोगों ने इस बार आज ये निर्णय लिया है कि अब क्वारंटाइन में लोगों को रहना होगा जो भी बाहर से आएंगे। अब बिल्कुल अब ये निर्णय लिया जा चुका है। सर, राजस्थान की घटना पे आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि आपने पहले कहा था कि आपकी सरकार को भी जो है कई लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो हमने उस संदर्भ में कहा, जो सरकार नीतियां बना रही है वो सिर्फ इस सरकार के लिए, पूरे देश में गैर भाजपा शासित सरकारों को अस्थिर करने की कुछ षड्यंत्र चल रहे थे, जो हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी बिल्कुल केंद्र सरकार के मंत्री के समक्ष फ्लैग किया है। लेकिन जहां तक राजस्थान की राजनीतिक विषय पर सवाल है आपका, मैं इस पे अभी तक यही कह सकता हूं कि अभी तक विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुन पाया है और मुझे लगता है आने वाला समय में जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, ये अफवाहें उलट भी हो सकती है कि हमारे विरोधी नेता प्रतिपक्ष के लिए भी तरस जाएं, ऐसे ना हालत हो जाए। बीजेपी के लोग क्या संपर्क में है सर? वो तो उनको आने दीजिए, इनके षड्यंत्र को जो वो चल रहे हैं वो चलाते रहे और हमारी नजर बिल्कुल है। और मैंने पहले भी कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष की हालात भी उनकी ना रह जाए। सर, एक आखिरी सवाल, भ्रष्टाचार को लेकर आप लगातार काम कर रहे हैं, उस पे बीजेपी का ये आरोप है कि हेमंत सरकार जो है बायस होकर इस तरह के जो एक्शन है वो ले रही है, कई उन्होंने उल्लेख भी किया, आज बाबूलाल मरांडी ने भी इस सिलसिले में आपको किस चीज पर बायस होकर काम किया जा रहा है बता दे। वो जो भ्रष्टाचार के ऊपर लगातार एसीबी की जांच चल रही है, जैसे धनबाद के ऊपर, क्यों ये एजेंसी किस लिए है यहाँ पर? क्या सरकार का तनखा लेने के लिए सिर्फ है क्या? उनका तो कुछ काम है कि नहीं, वो अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करेंगे कि नहीं? इन संस्थाओं को खत्म कर दिया जाए, ये वो सरकार नहीं है जो राजस्थान में दिखी है, जहां ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई को सरकार गिराने के लिए दौड़ाया गया। इनको सुन रहे थे आप, उससे पहले आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूनाइटेड नेशन सोशल काउंसिल में सुना। और जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि भाई